नमस्कार, मेरा नाम है रेहान। आप देख रहे हैं प्यारा सा ब्लॉग, रेहान सिद्दीकी ब्लॉग। तो आज हम अपने घर से निकल चुके हैं परसौनी के लिए, जो कि सीतामढ़ी ज़िला में पड़ता है। तो हम यहां से जाएंगे और पहले तो राजा परसौनी जाएंगे। राजा परसौनी में आपको हम चल के वहां पर जाकर हिस्टोरिकल चीज़ दिखाते हैं और किला वगैरह के बारे में बताते हैं और राजा के बारे में भी जानते हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलिए हम चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। तो चलिए closing in, I was alone and so afraid, couldn't see the light, no, then my world began to spin, where's the beginning, where's my omega, had to make it right. और ये सामने रहा नंदिनी स्वीट, जो कि काफ़ी फेमस होटल है बेलसंड में। और हम चलते परसौनी। परसौनी यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर है, तो चलिए परसौनी चलते। Brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Cody's brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. और अभी हम बेलसंड से निकल चुके हैं और हम अभी पताही में हैं। यहाँ से करीब यहाँ से आधा घंटा होगा परसौनी। और जैसे हम अभी जा रहे हैं, अगर कहीं पे पंप हमें दिखेगा तो पहले तो हम पंप पर जाएंगे और वहाँ से गाड़ी का तेल लेकर और फिर वहाँ से निकलेंगे और आपको परसौनी जाकर वहाँ से पूरा टूर दिखाएँगे। और हमें फाइनली यहाँ पे पेट्रोल पंप मिल गया, तो पहले तो यहाँ से हम तेल लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं और तो फाइनली अभी हम परसौनी पहुँच चुके हैं, जो कि आपको यहाँ पर पीछे भवानी स्टाइल बाज़ार दिख रहा होगा। और चलिए यहाँ पर राजा के किला के पास कैसे जाना है हम आपको लोकेशन भी बताएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा सीतामढ़ी का सीधा रोड, जो कि इधर से आप आते हैं अगर बेलसंड से तो आप ऐसे यहाँ पर सीतामढ़ी जाइएगा, और इधर आप अगर जाते हैं तो यहाँ पर सीहोर ये रोड जाता है। आइए, अगर आप दक्षिण की तरफ जाते हैं तो ये सीहोर पड़ता है। इसी रोड में आपको आगे राजा के किला मिलेगा, जो कि हम आपको इस वीडियो में आ रहे हैं। मेन चौक से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर आगे शायद आपको राजा किला मिलेगा। दूर नहीं है, चलिए थोड़ा सा आगे हैं, हम आपको चल कर दिखाते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं किले के सामने और यहां पर रोड का काम हो रहा था, जो कि सीहोर जाने वाला। और यहां हम अभी फाइनली थोड़ा देर में राजा के किले के गेट पर पहुंचे। हम राजा के महल के गेट पे तो आ चुके हैं और ये आपको एक बस खड़ा हुआ दिख रहा होगा, जिसका पिलर है। और दूसरा शायद इस तरफ था, जो कि अभी यहाँ पर गिर चुका है। और ये राजा के ग्राउंड का बाउंड्री है, जो कि पूरी तरह से टूट चुका है। और इस पर देख सकते हैं आपको कितना जंगल झाड़ भी लग गया। आपको सामने एक दरवाजा दिख रहा होगा, जिससे हम अंदर जाकर राजा का किला दिखाएंगे। तो चलिए, प्रवेश कर चुके हैं और आपको ये दिख रहा होगा, ये राजा का महल ही है। और हम आपको अंदर चल कर भी दिखाएँगे और ये कुछ इस तरह से ये बाहर का नज़ारा आपको दिख रहा होगा। अभी हम फाइनली अंदर पहुंच चुके हैं और जैसे हम अंदर पहुंचे तो हमें एक कार दिखी, जो कि पुराना कंडीशन में आपको दिख रहा है। और ये गाड़ी जैसे का तैसे यहीं पर पड़ा हुआ है, कहीं पर जाता नहीं है। जो कि अगर आप भी यहां पर घूमने आते हैं तो आपको ये गाड़ी यहां पर दिख जाएगा, जो कि हमेशा यहीं पर महल के गेट पर ही लगा हुआ रहता है। और ये महल के उत्तर साइड का कुछ इस तरह का नज़ारा है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और हमने अंदर का नज़ारा भी आपको दिखाया, तो हमने बैठे वहाँ पर एक चाचा से बात किया, तो उन्होंने बताया कि किला के पीछे बांधा जाता था। और हम आपको चल कर पीछे का भी व्यू दिखाएंगे यार वगैरह सब किला के पीछे हुआ करता था, जो कि अभी हम आपको अगर पीछे दिखाएंगे
आगे और पीछे आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा जो कि पहले यहाँ पर कुत्ता था। अब इस मैदान में सिर्फ उपजाऊ किया जाता है। तो ये आपको उत्तर साइड का ये नज़ारा आपको इस तरह दिखाई दे रहा होगा। और ये थोड़ा सा एक मस्जिद देखा तो हमने सोचा कि इसके बारे में भी बताया जाए, जो कि यहाँ पर राजा लोग के लिए बनाए गए थे, जो कि यहाँ पर आकर नमाज पढ़ा करते थे। तो इसका भी नज़ारा हम ये किला के सामने एक छोटा सा मस्जिद बनाया गया था जो कि खास लोगों के लिए था, यहीं पर आकर राजा नमाज। हमने एक बार आया था तो ये सब कुछ इस तरह वाइट तो था लेकिन पुराना कलर था राजा के टाइम का। अभी शायद इसको दोबारा से साल भर पहले शायद इसको पेंट कर दिया गया है, जो कि हिस्टोरिकल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है पेंट कर दिया गया है दोबारा से। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं और इंट्रो लेने के बाद पूरा किला का टूर आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। तो देख लो दोस्तों, गाइस मेरा नाम है रेहान, वेलकम बैक टू माय चैनल रेहान सिद्दीकी ब्लॉग। तो आज हम इस वीडियो में आपको राजा के महल का पूरा टूर इस वीडियो में दिखाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चलिए देखते हैं। और यह महल का कुछ इस तरह का नज़ारा है। और फर्स्ट गेट यहाँ पे पड़ता है जो कि पूरी तरह से टूट चुका है। और यह बाउंड्री है, बहुत बड़ा है, और ये सब आपको राजा के महल के अंदर मिलेगा। और दूसरा गेट, तीसरा गेट शायद आपको आगे मिलेगा जिसको हमने दिखाया, तो जिसका नज़ारा कुछ इस तरह है जो कि राजा लोग के टाइम में यहाँ पर आते थे और यहाँ पर नमाज पढ़ा करते थे। तो देखिए, इसके बाद हम पीछे चलते हैं और आपको पीछे का भी व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पर भी कुछ बनाया गया था जो कि अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो मालूम है, चाचा जी बोल रहे थे कि पीछे बनाया गया और इसे तोड़ दिया गया है शायद। अभी सब पुराना होने का कारण ख़राब था तो इसे तोड़ दिया गया है, तो फिर से तोड़ कर अपना दूसरा मरम्मत किया जाएगा। इधर 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 देखा, और इधर भी ये साइड जो आपको जितना दिख रहा है ये सब राजा का ग्राउंड में था, ये सब राजा के ही थे जिसमें अभी फसल उपजाऊ किया जाता है। कुछ इस तरह से यह आगे का नज़ारा है और हम आपको पीछे भी जाकर दिखाएंगे कि कैसा दिखता है, तो चलिए देखते हैं। तो ऊपर आपको हम कहेंगे
जूम करके दिखाने के लिए। ऊपर आपको इसी तरह पीछे जो कि आपको पुराना दिख रहा होगा, अभी तो इसको शायद पेंट कर दिया गया है जो कि आपको अभी नहीं दिख रहा है। तो चलिए चलो। तो इधर का जो आपको पूरा ये सब नज़ारा दिख रहा है, ये सब जितना दूर दिख रहा है ये सब राजा का ही ग्राउंड था। हाँ फाइनली इस वीडियो में हमने आपको राजा के महल का पूरा टूर दिखाया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सीतामढ़ी या परसौनी बेलसन कहीं से भी देख रहे हैं और अदर स्टेट से भी देख रहे हैं या अदर से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का व्लॉग ला सकूँ। और फाइनली वक्त हो गया घर जाने का, काफ़ी समय हो गया है, तो अभी हम चलते हैं घर और आपसे मिलते हैं किसी अगले नए व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।